पर एक्सिस कैपिटल की अब रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट ठीक ठाक है। कल हमने देखा था कि खबर भी एक्सक्लूसिव खबर हमारे सहयोगी प्रकाश लेकर आए थे जिसमें एक्सचेंजेस की कपलिंग की बातचीत हो रही है और वैसे भी आईएक्स काफी मोमेंटम में है, प्लेटफॉर्म वाला पूरा खेमा उठा ली वहां पर भी हम रौनक देख रहे हैं। आईएक्स महीने भर में 18-20% के आसपास के रिटर्न्स ये शेयर ऑलरेडी दे चुका है। अविनाश जी, आईएक्स क्या अभी लंबी तेजी के लिए शेयर तैयार है और जो डेवलपमेंट सरकार की ओर से हो रहे हैं वो कितने पॉजिटिव हैं शेयर के लिए? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए आईएक्स का जो डाउनटर्न था वो लार्जली ये कपलिंग के कारण ही हुआ था, और ये अगर कपलिंग हटा जाता है और यू नो ऑब्वियसली ये बात मार्केट को काफी पसंद आएगी, क्योंकि देखिए कपलिंग का मतलब है कि जो भी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी कमाती थी उसके ऊपर एक कैप लगाने की बात कर रहे थे, तो अगर ये कैप हट जाती है तो डेफिनेटली वॉल्यूम्स बढ़ने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ने के लिए फ्रॉम द करंट लेवल्स काफी बड़ा स्कोप है। तो मेरे ख्याल से अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन जरूर आया नहीं है, लेकिन अगर ये यू नो नियर टर्म में ये कपलिंग का न्यूज फ्लो कंफर्म होता है तो इसमें और अच्छी रिरेटिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें कोई बात नहीं कि देखिए आईएक्स अभी भी मार्केट लीडर है पावर ट्रेडिंग स्पेस में, प्लेटफॉर्म बिजनेस है तो स्केलेबिलिटी का पोटेंशियल तो पहले भी था लेकिन कपलिंग के कारण मार्केट्स को चिंता थी, तो अभी ये अगर यू नो इश्यू हट जाता है तो डेफिनेटली और भी रिरेटिंग के लिए संभावना है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 155-160 का टारगेट पॉसिबल लग रहा है और उसके बाद कंफर्मेशन आने के बाद ही यू नो फ्यूचर डायरेक्शन स्टॉक लेगा। ठीक है अविनाश सर, आपने अच्छे से बताया। हालांकि ये शेयर हमने 140 पे भी आपको नोटिस कराया था, अब 145 हो चुका है। 140 वाली ना एक आपको ऑप्शंस भी दिलवाई हुई है, आपको ध्यान होगा वो 30 तारीख को जाके एक्सपायर होगी, अब तक उसके रेट अच्छे बढ़ गए होंगे। मेरे को एग्जैक्टली उसका रेट अभी याद नहीं है, शायद 2-2.5 रुपये के आसपास की कोई ऑप्शन थी जो हमने आपको दिलवाई थी। अगर आपको याद होगा तो अपने पोर्टफोलियो के बाद चेक कर लेना, उसके प्राइजेस बढ़े हुए होंगे। 140 की स्ट्राइक थी इतना मेरे को याद है। और